अब बात मां काली के पोस्टर पर जारी हंगामे की। आज मां काली के विवादित पोस्टर को लेकर देश भर में गुस्सा और आक्रोश चरम पर है। हालांकि पहली बार इस गुस्से के कारण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं, क्योंकि आज ममता बनर्जी की खास सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसा किया। मां काली के विवादित पोस्टर पर महुआ ने जो कुछ ऐसा बयान दिया जो उनकी पहले से बनी बनाई छवि को क्या दर्शाता है, ये आप खुद सोचें। लेकिन इस बार सब उल्टा हो गया। महुआ को उम्मीद थी कि उनके बयान को भारी समर्थन मिलेगा, लेकिन पहले तो खुद उनकी पार्टी ने इस विवादित बयान से अलग अपने आप को कर लिया, फिर ममता बनर्जी ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों महुआ मोइत्रा को अपनी ही पार्टी और अपने ही नेता से समर्थन नहीं मिला। देखें रिपोर्ट। मां काली का ये वही विवादित पोस्टर है जिसे लेकर पूरा देश सुलग रहा है। ये वही विवादित पोस्टर है जिसे लेकर दिल्ली से मुंबई तक और उत्तर प्रदेश से बंगाल तक आक्रोश की आग धधक रही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रिलीज होना बाकी है। पोस्टर पर शहर शहर बवाल जारी है। पोस्टर पर सबसे बड़ा संग्राम तब छिड़ा जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बयान दिया। मां काली पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। हालांकि 24 घंटे के अंदर महुआ मोइत्रा के सुर बदल गए। विवादित बयान देने वाली महुआ मोइत्रा को जय मां काली कहना पड़ा। अपनी ही सांसद के बयान पर टीएमसी कुछ इस कदर फंसी कि पार्टी को महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ कई शहरों में शिकायत दर्ज हो चुकी है। मां काली के पोस्टर विवाद पर फिल्म मेकर लीना के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से इस महिला लीना नाम की महिला ने ये जो एक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को आहार करने के लिए इंटेंशनली जानबूझकर एक पोस्टर इस तरीके का शेयर किया है, और मुझे लगता है कि ये जो मूवी बनाई गई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे भगवान जो है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। इसके खिलाफ मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल को दी है और मैंने आग्रह किया है कि इस महिला लीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लीना के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। आखिर वो हमारी देवी देवताओं पर क्यों मनाती है, उनमें हिम्मत है किसी और पर मना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म के देवताओं पर आपत्ति जरा क्या है। मैं इस पर FIR कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने भी सख्त लफ्जों में कहा है कि सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का हक किसी के पास नहीं है। ऐसी कोई फिल्म जिससे सामाजिक सद्भाव टूटे, भाईचारा टूटे, एकता संपर्क टूटे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही दूसरी ओर ट्विटर ने भी सख्त एक्शन लेते हुए काली फिल्म प्रोड्यूसर लीना मणिमेकलई के ट्वीट पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग हो रही है। सवाल है, क्या जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए मां काली का अपमान किया गया? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू भावना से खिलवाड़ किया गया?